सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारणों सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु हंस कर कह दो तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत गीत निभालो ओ मेरे प्रीत गीत निभालो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही प्रभु थे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम।
अपने आप को गुरुदेव के चरणों में डालती है। हे गुरुदेव, अच्छा हूं या बुरा हूं इसका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन जैसा भी हूं मैं आपका। ये ज्ञान तो आपको होगा। हे गुरुदेव, मैं तो एक अधम क्षत्रिय हूं, एक तपस्वी संत का अपमान हुआ। सुखदेव जी हमारे भावुक हो गए, सुखदेव के प्रेमाश्रु टपक पड़े। धन्य हो परीक्षित श्रोताओं, श्रोता रसिको, प्रेमियों, तो रसपान करवाने का एक अलग आनंद होता है, एक अलग मस्ती आती है। वहां फिर कोई समय का बंधन नहीं रहता। देखो, जब आदमी ड्यूटी करता है तो घड़ी देख के करता है, लेकिन जब अपना कार्य करता है तो घड़ी छोड़ के। कन्हैया जब मुझे इस परिवार में यहां कथा के लिए भेजता है तब अपने घर आया करता हूं कथा करने, इसलिए मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहता। ये तो चैनल की मजबूरी है, करना पड़ेगा। यहां लगता है कितना रस निकाल के जाए। कई बार यहां के लोगों की शिकायत है, हम कथा में तो आते हैं, इनके मन लगता है, लेकिन ये समय का ध्यान नहीं रखते, लेट कर देते हैं। क्या करें बाबा, मेरी भी मजबूरी है। जब सामने कोई रसिक बैठा हो तो लगता है कितना रस दे जाए आप लोगों को। ये भागवत की कथा तो श्रोताओं परीक्षित सुखदेव का जो संवाद 7 दिन का हुआ है ना, सुबह से शाम तक कथा चलती थी। मात्र 2 घड़ी का विश्राम होता था, मध्यान्ह घटिका द्वयम्, सूर्योदय से सूर्यास्त तक में 2 घड़ी का विश्राम, बाकी कथा चलती थी। सुखदेव जैसे प्रवक्ता करते थे तब कथा कर पाए, आज तो कथा का इतना स्वरूप छोटा हो गया है, 3 घंटे की कथा हो गई है। हम तो जिद करके 4 घंटे लिए, चैनल वाले भी बोले हमसे, महाराज 3 घंटे कथा लाइव होती है। हमने कहा तो फिर मत करो, 4 घंटा चाहिए मेरे को, मुझे 4 घंटे में भी कम लगता है, कम है। क्यों? वो जो मुझे दिया है बांटने के लिए दिया है, छुपाने के लिए नहीं दिया है, और बांटने में पता नहीं कौन सा बीज किसके काम आ जाए। मिट्टी वही है, लेकिन कहीं चना उगता है तो कहीं कनक, तो कहीं मसूर, तो कहीं तुअर। मिट्टी भी वही है, बीज भी वही है, बोने वाला भी वही है। उसी प्रकार भागवत के सारे प्रसंग एक हैं, आप सब वही हो, लेकिन कौन सा प्रसंग किसके कल्याण के लिए है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए लगता है कि ज्यादा से ज्यादा निकालते, लेकिन इस बार आप लोगों को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने आप ये इशारा कर देते, कट करो, बंद करो, कैंची लेके बैठ गए ये। जय पारस वालों की कैंची हमारे साथ इस बार चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जान लेंगे। परीक्षित जी अपने आप को जब समर्पित किए तब सुखदेव जी उनको दीक्षा दिए, स्पर्श दीक्षा। इसीलिए हमारे एक शास्त्री जी जो बैठे हैं, सब जानते हैं, नाम क्यों लो किसी, वो जब माइक में बोल देते हैं, बोले कथा प्रारंभ का समय तो यही है पर समापन का हरी इच्छा, वो भी परेशान है, बोले इनका कुछ भी कहो असर तो पड़ना नहीं है, तो हरी इच्छा डाल देते हैं। उनका अपना भाव है, मनोविनोद अपनों से करता आदमी, तो हरी इच्छा से तो सब चल ही रहा है, सारा कार्य हरी इच्छा। परीक्षित की शरणागति, तब गुरुदेव स्पर्श दीक्षा दिए। परीक्षित ने कहा मैं अधम क्षत्रिय हूं, मुझसे अपमान हुआ एक तपस्वी संत का।
अपना अपराध स्वीकार कर लिए। परीक्षित के जीवन में कितने पुण्य कर्म है ये नहीं बताए, लेकिन एक अपराध हुआ वो बता दिए। आप भगवान के भक्त के पास जब आओगे ना, अपने पुण्य कर्म नहीं बताओगे, आपसे जो गलती हुई है उसको प्रकट करोगे। और जिस दिन अपनी गलती को अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर दोगे, उसी दिन गुरु आपको महान बना देगा। हम लोग करते क्या है, अपनी गलती तो छुपा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, और अच्छी वस्तु प्रकट कर देते हैं। जैसे आप मिलते हो वैसे गुरु मिलता जाओ। अपनी गलती प्रकट करो, ये गलती है। एक बात बताओ, मकान टूटा हो या सिलेंडर खराब हो गया चूल्हा, अब मिस्त्री आए तो कौन सा चूल्हा दिखाओगे, जो ठीक है कि जो खराब है? जो ठीक है, छत जहां ठीक है वो दिखाओगे कि जो टूटी है? और गुरु के पास जाके हम क्या बताते हैं? कभी अच्छाई मत बताओ, तो अपने आप जान लेगा। आप अपनी कमी बताओ, कमी दूर करेगा, इसके लिए आया है। आपकी कमी को ठीक करने का काम गुरु का है। गुरु भी आपके लिए मिस्त्री है। मकान में यदि बरसात के समय सुरक्षित रहना है, छत टूटी है तो किसी मिस्त्री की शरण में, और छत यदि ठीक है तो कैसी बरसात हो एक बूंद जल अंदर। गुरु रूपी मिस्त्री जिसके जीवन में आ जाता है तो माया के थपेड़े कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो मुस्कुराता हुआ भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन गुरु के समक्ष अपनी गलती प्रकट करनी चाहिए, अच्छाई नहीं। संसारियों से झूठ बोलो कोई बात नहीं, गुरु से झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, पिया के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना, ये ध्यान रखना। तब परीक्षित को दीक्षा मिली, स्पर्श दीक्षा। दीक्षा एक मंत्र दीक्षा होती है, एक होती स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा की प्राप्ति के बाद आपका कथा में प्रवेश होगा, वहां से प्रवेश होगा आपका कथा में। और जब कथा में प्रवेश होगा तब कृष्ण आपको मानसिक दीक्षा देकर आपके साथ रास करेंगे। रास का अर्थ कोई विलास नहीं, भोग नहीं, तो कई बार आप लोग सुने, वो मानसिक दीक्षा है। आपका जीवन भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये खाली तन इसलिए नहीं मिला है कि थोड़ा सा अपना टीम टाम किए, लोगों को भटकाओ। चलो मत भटकाओ किसी को, हम आपको भटका देंगे, आप भटक जाओगे। कन्हैया को क्या जवाब देंगे? कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, प्रभु की नजरों से बचकर किधर जाएगा? कर्म जैसा किया वैसा भुगत ना पड़े, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा। व्यासपीठ पर बैठ के हम आपको झूठी बात बता देंगे, आप बोले भाले मान लोगे, पर यदि आपके साथ हम छल किए हैं तो हमारे साथ भी वही होगा। गुरु का धर्म यह नहीं, गुरु का धर्म है शिष्य का कल्याण करना। कई बार लोहे को मोड़ने के लिए उसको गर्म करना पड़ता, पीटना भी पड़ता है। बगैर पीटे लोहा जल्दी मुड़ता, हमारा आपका मन भी वही लोहे की तरह हो गया। कई बार अपने भक्तों को मैं डांट भी देता हूं, कई लोगों को बुरा लगता, कई लोग तो मुस्कुरा के बोले अच्छी बात। जिनको बुरा लगता मैं कहता हूं जाओ, जिनको अच्छा लगता आ जाओ, आपका विषय। हमें आपका कल्याण कैसे हो ये सोचना है। आपका कल्याण होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये है गुरु स्पर्श दीक्षा। परीक्षित चरणों में लोटपोट, सुखदेव जी के नेत्र सजल प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, अपने दोनों हाथ रख दिए परीक्षित के शीर्ष पर। प्रयास करना आपके गुरु के हाथ आपके सिर पर आ जाए। गोविंद का हाथ तो आएगा जब आएगा, उसका विषय है, पर पहले गुरु का हाथ तो आए। ये नहीं कि कहना पड़े मेरे सिर में हाथ रखो, नहीं, आपको कहना न पड़े, अपने आप निकल पड़े। ऐसा सूत्र हो कि खुद निकल के आए, ऐसी शरणागति। परीक्षित यहां पर
संप्रश्न किए। एक होता है प्रश्न, एक होता है संप्रश्न। हे गुरुदेव, जो म्रियमाण अवस्था में उसको क्या करना है? म्रियमाण अर्थात मरणासन्न की अवस्था, हर मानव मरणासन्न में है। कब किसका शरीर छूटेगा किसी को पता नहीं है, क्या होगा कन्हैया का विषय। और दूसरा, इस तन की सार्थकता किसमें? बोले इस तन की सार्थकता है भगवत दर्शन में। तो गुरुदेव, जिसके पास कम समय हो क्या भगवान मिल सकते हैं? तब परीक्षित जी के संप्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए हैं। मानव तन की सार्थकता किसमें? म्रियमाण अवस्था में बैठा हुआ मानव क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए? अब इसका उत्तर जानने के लिए अब आपको तो 3:30 बजे आना पड़ेगा। 5-7 मिनट बचे हैं, हम नहीं छेड़ेंगे। एक थोड़ा सा भजन लगा देंगे, इसके बाद आरती कराएंगे। अब हम सुखदेव परीक्षित गंगा के तट पर निवास करें। आप लोग अपने अपने तट बट में निवास करो। शेष प्रसंग का आनंद लेना है। कथा का समय 3:30 है। जब जिसका मन करे, जब जिसके पास जैसा समय हो, आ जाना। कई लोग जल्दी नहीं आते, गर्मी पहले बहुत रहती, लू लगती है तो रास्ते में, तो कई लोग गर्मी समझते। आजकल के बच्चे तो इसे भी बोले कथा में मन तो लगेगा नहीं, थोड़ा मोबाइल में खेल लें, फिर आरती तक में आ जाएंगे। तो अच्छी बात है, पर जितना भी समय के लिए बच्चे लोग आ जाएं, भगवान की कृपा है। तो अब एक थोड़ा सा प्रसंग है। हमने आपसे कहा था ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही। ये क्रम कौन बनाया था? कन्हैया बनाया था। कैसे बनाया था? चलो उसको सुना दे, फिर आरती करा देते हैं। उसके पहले श्री राधे मेरी यमुना के, तो उसके पहले एक सूचना। आज का जो प्रसाद है, उस प्रसाद के लिए दो नाम आए हैं, योगेश जी और रिया। मैं तो पुलकित जानता था, शायद इसका योगेश नाम है क्या? अच्छा, ससुर जी क्या उनका नाम? चलो अलग है, योगेश जी, लेकिन उनके बेटे पुलकित और रिया। आज का प्रसाद है, और प्रसन्नता की बात यह भी है कि आज जो बिटिया रिया बैठी है सामने, आज इसके शादी की सालगिरह भी है। व्यासपीठ से इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। 10 जुलाई में पता नहीं पहले अपने शादी में बुला ली, आज कथा के बहाने बुला ली। तो पुलकित रिया के लिए, दोनों पक्ष के माता पिता के लिए बहुत बहुत बधाई, उनके शुभचिंतकों के लिए बधाई। भगवान की कृपा, जोड़ी अमर हो, आगे जीवन का आनंद लें। इनके तरफ से आज प्रसाद की व्यवस्था है। और दूसरा, राजकुमार गुप्ता जी हैं, इनके तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आइए थोड़ा मस्ती ले लें, इसके बाद आरती। फिर राधे मेरी यमुना के, राधे मेरी यमुना के पार मिलना, राधे मेरी यमुना के पार मिलना, श्री राधे मेरी यमुना के पार मिलना, राधे मेरी यमुना के पार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, श्री राधे मेरी यमुना के पार मिलना, श्री राधे मेरी यमुना के पार मिलना।
संग में मैं आऊंगा राधे ग्वालों के संग में मैं आऊंगा राधे ग्वालों के संग में सखियों के संग तुम तैयार मिलना सखियों के संग तुम तैयार मिलो ना राधे मेरी यमुना के पार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना पार मिलना मेरी सरकार मिलना पार मिलना मेरी सरकार मिलना ओ पार मिलना मेरी सरकार मिलना पार मिलना मेरी सरकार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना माखन लेके मैं आऊंगा राधे माखन लेके मैं आऊंगा राधे माखन लेके मिश्री तुम लेके तैयार मिलना मिश्री तुम लेके तैयार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना पार मिलना मेरी सरकार मिलना पार मिलना मेरी सरकार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना राधे मेरी यमुना के पार मिलना
मेरी राधे मेरी यमुना के पार मिलना। आरती आज की सेवा के यजमान आरती के लिए पहले आगे आ जाए, बाकी हमारे समिति के जितने भाई लोग हैं सपरिवार आगे आरती के लिए आए, उसके बाद थाली उठाइए आप लोग। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भले हारी जाओ, देख छवि भले हारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे बल बल जाओ, उन चरणों पे मैं बली बली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। सोहे वृष भानु दुलारी, संग में सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी मेरे रास बिहारी मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गरम करनावतारम संसार सारम जयंत हारम सदा वशंतम हृदय अरविंद देव भवानी चैतन्य
जगदीश दोनों भुजा बाजार के हरो चरण में जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय हरि ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचंद जत्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवंति कापकुलचंपकपाटलाब्जे पुण्णाकजादिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाञ्जलिभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि प्रणमामि नमस्कृरोमि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्रीलड्डू गोपालाय नमो नमः प्रणमामि नमस्करोमि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।